हे गाइस, तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन की। बेसिकली यहाँ पे हम आज एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम लोग एक यूज़र से उसकी बर्थ ईयर को इनपुट करवाएंगे और फिर हम उस बर्थ ईयर को लेकर के हम उसकी एज प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स से यहाँ पर आप ऑलरेडी सीखे हैं इनपुट, तो लेट्स इनपुट एंटर योर बर्थ ईयर। तो यहाँ पे जो हमारा बर्थ ईयर है वो पूछेगा यूज़र से कि उस बर्थ ईयर क्या है, और हम इसको सेव कर देंगे बर्थ ईयर में। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस दो एक वेरिएबल लिखते हैं जिसमें दो वर्ड्स हों, तो हम हमेशा उसको अंडरस्कोर से अलग करते हैं, ना कि स्पेस से। अगर आप स्पेस से अलग करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिर्फ ईयर में जाएगा, बर्थ ईयर में नहीं जाएगा। तो हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं एक सिंगल वेरिएबल बनाने का। तो अब जब यूज़र इंटर करेगा तो ये पूरा ही बर्थ ईयर के अंदर जाएगा। तो चलिए हम एज कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ पे। तो एज कैलकुलेट करने के लिए एज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें हम लोग एज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2021 माइनस हमारी बर्थ ईयर। तो उससे क्या होगा कि जब भी हम लोग कोई भी हमारा यूज़र जब भी कोई भी एक बर्थ ईयर देगा तो उसको 2021 से माइनस करके हमारी एज को हम लोग प्रिंट करवा देंगे। तो लेट्स से प्रिंट एज और हम फिर इसको प्रिंट एज करा देंगे। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमसे बर्थ ईयर पूछता है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं देता हूँ 1995। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें लाइन टू में एक एरर आया है जो कि ये वाली लाइन है हमारी, एज इक्वल्स टू 2021 माइनस बर्थ ईयर। तो ये टाइप एरर आया है जिसमें बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर इंट एंड एसटीआर। तो यहाँ पर इंट का मतलब होता है नंबर्स और यहाँ पर एसटीआर का मतलब होता है हमारा कैरेक्टर या स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब भी हम लोग इनपुट करा रहे हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब भी हम लोग इनपुट करा रहे हैं बर्थ ईयर, तो ये बर्थ ईयर में जाके सेव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो भी एंटर करा रहे हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में बर्थ ईयर के अंदर जा रहा है, और 2021 एक इंटीजर वैल्यू है। तो आप इंटीजर वैल्यू से स्ट्रिंग वैल्यू को माइनस नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप इसको 2021 में से माइनस करते हैं। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें str वैल्यू को, जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू को, इंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पहले तो आप जो भी वेरिएबल है उसके पहले हम लोग इंट का इस्तेमाल करके इसको अगर हम इंट के अंदर रख लेंगे तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो इनपुट है वो बर्थ ईयर में ले रहा है स्ट्रिंग की वैल्यू। तो हम लोग इसको इनपुट से पहले हम पूरे इनपुट स्टेटमेंट को, इस पूरे इनपुट स्टेटमेंट को हम इंट में कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जैसा कि आपने देखा था प्रिंट और इनपुट, वैसे ही यहाँ पे इंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को या किसी भी दूसरी डेटा टाइप को हम लोग इंट में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा इनपुट वैल्यू है उसको हम लोगों ने इंट के अंदर ब्रैकेट्स में कर दिया। तो अब जो भी हमारी वैल्यू इनपुट होगी वो एज अ इंटीजर वैल्यू बर्थ ईयर में इनपुट होगी। एंड देन अब यहाँ पर ये प्रोग्राम सही हो गया और यहाँ पे 2021 में से बर्थ ईयर ईजिली माइनस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इंटीजर माइनस इंटीजर वैल्यू है। तो चलिए हम इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ देता हूँ 1995। तो हमारी एज यहाँ पे प्रिंट हो गई है, विच इज़ 26। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स होता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।